होगी बॉक्स ऑफिस पर अटैक और कैसे मिली थी जॉन को उनके करियर की पहली फिल्म। अटैक का इंतजार तो फैंस बहुत दिनों से कर रहे हैं और फिल्म के लीड रोल यानी कि जॉन अब्राहम भी इन उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसका ही अंजाम की ऐसा माना जा रहा है कि ये मूवी जॉन के करियर की सबसे बड़ी मूवी होगी। फिल्म में एक बार फिर जॉन अब्राहम को एक्शन सीन्स करते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे पहुंचे मिस्टर अब्राहम सफलता के इस मुकाम पर? जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी मॉडलिंग से और उनकी ये मॉडलिंग स्किल्स देखकर महेश भट्ट ने जॉन को ऑफर की उनकी पहली फिल्म जिसका नाम था जस्ट। ये मूवी बहुत ही अच्छी रही थी बॉक्स ऑफिस पर और काफी अच्छा बिजनेस भी किया था। उसके बाद उन्हें मिली वो फिल्म जिसने उनके करियर को पंख लगा दिए, YRF की धूम। इस मूवी से कौन ही अनजान है। फिल्म में जॉन अब्राहम नेगेटिव रोल में थे लेकिन फिर भी अभिषेक से ज्यादा लोगों ने पसंद किया था जॉन अब्राहम को। और ये जो फ्रेंचाइजी उस टाइम पर शुरू हुई थी ये आज तक की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मच अवेटेड मूवीज में से एक है। कमिंग बैक टू अटैक, तो बता दे कि इस मूवी में जॉन एक स्पाई या सोल्जर के रोल में दिख सकते हैं और मूवी में जॉन बड़े मुश्किल मिशंस को पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जैकलीन और रकुल भी हमें एक्शन करती हुई दिख सकती है। एक तारीफ करने वाली बात ये भी है कि जॉन इस मूवी के लिए लास्ट 2 ईयर से ट्रेनिंग और शूटिंग कर रहे हैं और मूवी बहुत सारे फॉरेन लोकेशंस पर भी शूट हुई है। पिछले साल तो पैंडेमिक की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी लेकिन इस साल मूवी का आना कंफर्म है। अब देखते हैं कि जॉन की अटैक व्यूअर्स के दिलों पर अटैक कर पाएगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलीग्रेट स्टूडियोज।